हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज सबके लिए मैं एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, तिल गुड़ लड्डू रेसिपी। चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने सफ़ेद तिल का यूज़ किया है। आप इसका मेज़रमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जिस बर्तन से तिल लिया है ना, उसी का जस्ट आधा मैंने गुड़ ले लिया है। आप चाहें 1 कप तिल ले तो उसका ही आधा गुड़ ले लें। इस तिल को हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है। गैस को एकदम लो फ्लेम पर ही रखें और लगातार चलाते हुए तिल को हम भूनते रहें। इसको हमें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। तिल ना जब भुन जाती है अच्छे से तो वह फूल जाती है, थोड़ा सा फ्लपी टाइप की हो जाती है। इस संक्रांति आप लोग कौन कौन से लड्डू बनाने वाले हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तिल को हम अच्छे से ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम उसको पीसेंगे। यदि हमने इसको गरम गरम में पीस देते हैं ना तो वो तेल छोड़ देता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। तिल भूनने के बाद हम उसको अच्छे से ठंडा कर लें, उसके बाद ही हम इसको पीसें। तिल को हमने एक प्लेट में निकाल दिया है, हम उसको ठंडा होने देंगे। तब तक हम अपना गुड़ तैयार करते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे देसी गुड़ का यूज़ किया है। हमने इसको पहले ही चाकू से कट करके रख लिया था। आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। और हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा हमने घी डाला है और गुड़ डाल दिया है। हमने बस इसमें थोड़ा सा ना 2 चम्मच ही पानी लिया, ज़्यादा नहीं डालना है। हमको इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस हमें इसको जस्ट मेल्ट करना है। मेल्ट हो जाएगा और हमारा गुड़ तैयार है। हम इसको मेल्ट करेंगे, तब तक हमने यहाँ पे एक जार लिया है। हम इसमें तिल डालेंगे और हम उसको पीसेंगे। तिल को हम पल्स मोड पर ही पीसेंगे। हमको इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, बस इसको हमें हल्का दरदरा, यह खिला खिला पाउडर रहे, ऐसा हमको पीस लेना है। गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है और हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमको इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, ना ही हमको इसकी चाशनी बनानी है। बस हमको ऐसे ही बस हल्का मेल्ट करना था, तो हमारा ये गुड़ मेल्ट हो चुका है। और हमने यहाँ पे ये देखो तिल को कितना दरदरा पीसा है, बस ऐसे ही आपने पीसना है। और हम इसको निकाल लेंगे। हमने इसको निकालने के लिए यहाँ पे परात का लिए है, ताकि हम उसको गुड़ और तिल को अच्छे से मिला सकें। और हम जो बचा हुआ तिल है ना, वो भी इसी जार में डालकर हम उसको पीस लेंगे। सारा तिल हमने परात में निकाल लिया है एक साथ, और हम इसमें गुड़ को ऐड करेंगे। गुड़ को ऐड करने से पहले हम उसको डालते समय इसको एक स्ट्रेनर से यानी कि छन्नी से छान लेंगे। बिना छाने गुड़ को ना डालें। गुड़ काफ़ी गर्म रहता है, इसको हम हाथ से बिल्कुल भी ना मिलाएं। अभी हम इसको मिलाने के लिए किसी भी चम्मच का यूज़ करें और उसको अच्छे से मिला लें। पहले हम इसको चम्मच से ही मिलाएंगे। जब इसको ये हल्का थोड़ा छूने लायक हो जाएगा ना, तभी हम इसको अपने हैंड से मिक्स करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा गुड़ हमारा हल्का सा ठंडा हो गया है, मतलब ठंडा, बहुत ठंडा नहीं, मतलब ऐसा कि हम छू सकते हैं उसको। हम इसके लिए मिला लेंगे बहुत अच्छे से। मैं यहाँ पे मेल्ट किया हुआ जो गुड़ है ना, वो सारे तिल में एक साथ नहीं मिला रही हूँ, क्योंकि वो ठंडा हो जाता है तो फिर उसके लड्डू नहीं बन पाते हैं, जम जाता है। इसके लिए हम थोड़े थोड़े तिल में मिलाते जाएंगे और लड्डू बनाते जाएंगे। यहाँ पे हमने हाथों में थोड़ा सा घी लगाया हुआ है और मिक्सर को हाथों की सहायता से मिक्स करेंगे और मिक्सर को थोड़ा थोड़ा लेकर गोल गोल लड्डू उसके बना लेंगे। आप लोग ज़रूर एक बार मेरे मेथड से लड्डू बनाकर देखें। सच में ये दिखने में जितने अच्छे लगते हैं ना, उतने से उससे कहीं ज़्यादा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। एक बार ज़रूर से बना के देखिएगा, लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये देखिए कितने प्यारे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। ये जितने अच्छे दिख रहे हैं ना, उतने ही स्वादिष्ट हैं ये लड्डू। एक बार ज़रूर से बनाइएगा। इस बात का ध्यान रखें कि आप जब हल्का गर्म रहे ना मिक्सचर, तभी लड्डू बना लें। इसको ठंडा ना होने दें ज़्यादा, जल्दी जल्दी लड्डू बनाएं, थोड़ा सा स्पीड रखें। कि बचे हुए तिल में भी हमने इसी तरह से गुड़ मिलाकर और सारे लड्डू एक साथ ऐसे ही बना लिए हैं। ये देखिए सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं, बहुत ही सॉफ्ट, एकदम मुँह में घुल जाने वाले लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। है ना एकदम ईजी रेसिपी, तो चलिए जल्दी से बना लीजिए। बस कुछ बातों का ध्यान रखिए, गुड़ को बहुत ज़्यादा ना पकाइए और तिल को एकदम लो मीडियम फ्लेम पर ही भूने और गोल्डन ब्राउन होने तक भूने। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। लो मैं आपको लड्डू तोड़कर दिखाना तो भूल ही गई। देखिए कितने हल्के हाथ से एकदम टूट रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट लड्डू हैं। चलिए आप लोग इन्जॉय करिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।